सोमा और सचिन सलामी जोड़ी यहां पर मैदान में। महबूब की पहली गेंद और इस आसानी से एक रन को पूरे करते हुए वैयक्तिक रनों का टीम की रनों का खाता खोलते हुए सोमा। स्ट्राइक रोटेट हुआ, अब स्ट्राइक एंड पर जाएंगे सचिन। नकित सचिन एक धाव पूर्ण करतोय। हे नाव समोर आलं की आठवण येते लिटिल मास्टर, मास्टर ब्लास्टर, भारतरत्न श्री सचिन रमेश तेंडुलकर यांची। आणि आले आले आता मात्र सोमा या ठिकाणी आत्महत्याचा प्रयत्न करतोय। पहिल्या विकेटचं पतन, सोमाची खेळी संपुष्टात। नवीन फलंदाज मैदानामध्ये येईल साजिदच्या स्वरूपात। सोमा आणि सचिन सलामी जोडी जरूर मैदानामध्ये आलेली आपण पाहिली, त्यानंतर मग सोमा मात्र या ठिकाणी पहिल्या विकेटचं पतन होताना आपण बघतोय। सोमाची जागा घेण्यासाठी नवीन फलंदाज साजिद। महबूब गोलंदाजी मार्क वरून पंचांच्या डाव्या बाजूने मेन स्टेज एंड कडून गोलंदाजी करण्यासाठी सज्ज झालाय साजिद साठी। आखूड टाप्याचा चेंडू हलक्या पद्धतीने कट केलं जाते, चेंडूला दिशा दाखवली जाते, एक धाव पूर्ण केली जाते आणि या एकेरी धावेनं संघाच्या धावसंख्येचा आकडा मात्र जाऊन पोहोचेल एका गड्याच्या मोबदल्यात 3 धावा। आता मात्र चुकीचा निर्णय, रनआउटची संधी आणि आत्महत्येचा प्रयत्न पुन्हा एकदा सचिन बाद। महबूब यहां पर साबित जरूर अपने आप को करने का प्रयास कर रहे हैं। यहां पर पहली विकेट जरूर चटकाई थी, इस बार रनआउट का मौका बना उसे भी पूरा किया। दूसरे विकेट का पतन होता हुआ नए बल्लेबाज, जल्द से जल्द आपसे भी रिक्वेस्ट है ऑटो पॉइंट रेंजर्स नीतीश, नीतीश पोड़ू। स्ट्राइक एंड पर, नॉन स्ट्राइक एंड पर साजिद, गेंदबाजी मार्ग पर महबूब। आता मात्र शफल होऊन खेळण्याचा प्रयत्न या ठिकाणी, पॉइंटच्या दिशेने खेळाडू उपस्थित, चेंडूवर धावेल, चेंडूवर ताबा मिळवेल, फेकी करेल, तद्वर मात्र एक धाव पूर्ण केली जाते। पहिल्या षटकाची समाप्ती आणि एका षटकाच्या समाप्ती अखेर संघाची धावसंख्या मात्र 2 गड्यांच्या मोबदल्यात मात्र आणि मात्र 4 धावा। नवीन गोलंदाज दिपेन, नक्कीच संघ मालक अब्दुल कादिर आणि त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली खेळत असलेला हा मुघल दिवान संघ। आता मात्र बॅटची इनसाइडच घेतली चेंडून, यष्टी रक्षकाच्या अंगाचा वेध जरूर घेतला परंतु अंगाचा वेध घेत सरळ पॉइंटच्या दिशेनं पुन्हा एकदा एकेरी धावीचा प्रयत्न यशस्वीरित्या पूर्ण केला जातोय। सुंदर रनिंग बिटवीन द विकेट। दिपेनचा पुढील चेंडू साजिद साठी, आता मात्र लॉफ्टेड शॉट आणि एक सहज सोपा, एक नो डाउट एफर्टलेस कॅच। कोणत्याही प्रकारची एफर्ट्स या ठिकाणी लावावी लागले नाहीत, कोणती मेहनत या ठिकाणी करावी लागली नाही, उभ्या असलेल्या जागेवर हातात चेंडू सोपावून साजिद मात्र आपली खेळी पूर्ण करतोय। तुषार जरूर अब्दुल कादिर जी यहां पर बहुत खुश होंगे क्योंकि एक अच्छी शुरुआत उनके टीम ने यहां पर दिलाई है उनके टीम को। नए बल्लेबाज तुषार इस बार सम्मानजनक शॉट खेलने का प्रयास, पॉइंट की दिशा में गेंद को हल्के हाथों से खेलकर निकाला। एक रन से टीम के स्कोर में जरूर एक रन बढ़ेगा, वैयक्तिक रनों का खाता खुला और वैयक्तिक रनों का खाता खुलते ही टीम का स्कोर जाकर पहुंचेगा 3 विकेट के नुकसान पर 6 रन। ओवर चलता हुआ दूसरा, राइट आर्म ओवर द विकेट से दीपेन तैयार, शॉट ऑफ द लेंथ यहां पर पुल करना चाहते थे गेंद को, सीधी जाती हुई विकेट कीपर की दस्तानों में, डॉट गेंद।
वाइड बॉल का इशारा आते हुए इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल लॉ नंबर 22 इट्स वाइड बॉल। फिर एक बार डाउन द लेग साइड, जरूर अंपायर का इशारा आएगा एक्स्ट्रा रनों का, टीम के स्कोर में जरूर दो एक्स्ट्रा रन आए इसी दो लगातार वाइड बॉल के साथ। हेलन गार्डन के बाहर जिनकी गाड़ियां लगी हुई है कृपया उनको अनुरोध है कि अपनी गाड़ियां ठीक से लगाइए। कृपया सर्व मोटर चालकांना विनंती आहे की आपल्या ज्या गाड्या ग्राउंडच्या बाहेर आपण लावलेल्या आहेत त्या कृपया रस्त्यामध्ये आहेत बाजूला करावे, अन्यथा आरटीओ वाले गाडी घेऊन जातील। टोचणवाले फिरत आहेत, कृपया विनंती आहे रस्ता मोकळा करायचा आहे। फैजलचा पुढील चेंडू, आता मात्र चेंडू सरळ सीमारेषा पार जरूर जातोय, परंतु आयोजनाच्या नियमाबद्दल जर सांगायला गेलं तर आपल्या सीमारेषेच्या बाहेर डायरेक्ट चेंडू गेला तर तो खेळाडू मात्र बाद होणार आहे। बॉक्स क्रिकेट आहे, बॉक्स क्रिकेटमध्ये नक्कीच सीमारेषा छोट्या असतात, त्यामध्ये डायरेक्ट जर चेंडू मैदानाच्या बाहेर गेला तर खेळाडूला मात्र त्याची खेळी बंद करावी लागते आणि त्याचबरोबर आता मात्र नितेश पोडू याची खेळी समाप्त। आता मात्र पॉइंटच्या दिशेनं कव्हरच्या दिशेनं खेळाडू उपस्थित, एक धाव पूर्ण केली जाते गोलंदाज फैजलच्या गोलंदाजी मार्फत एक सुंदर गोलंदाजीचं प्रात्यक्षिक। कटकी या गेंद को मिसफील्ड होत आहे त्या ठिकाणी चेंडू सीमारेषेच्या बाहेर जातोय, एक छोटीशी चुकी आणि मग चुकीला माफी नाही, चार धावांसाठी गेलेला आहे खणखणीत चौकार। अकुटाप्याचा चेंडू मिड विकेट काव कॉर्नर मध्ये रनआउटची संधी आहे या ठिकाणी, बघूया काय इशारा येतोय पंचांचं, एक बोट आसमान ताकडे, ओ यू टी आउट, बॅट्समन हॅव टू गो आउट ऑफ दिस ग्राउंड। यासीन की पारी यहां पर समाप्त होती हुई। फैज नवीन फलंदाज, स्ट्राइक एंड वर तुषार, नॉन स्ट्राइक एंड वर फैज, चेंडू झाले चार, दोन चेंडू अजूनही शिल्लक आहेत, तर एक सुंदर गोलंदाजीचं स्पेल या ठिकाणी फैजलच्या माध्यमातून। अभी भी दो गेंदे फैजल की इस ओवर से बाकी। मैदान की बाहर जिन्होंने अपने टू व्हीलर्स पार्किंग की है आपसे तहे दिल से रिक्वेस्ट करूंगा, आप अपनी जो टू व्हीलर्स है किसी अन्य जगह पर जाकर पार्क करें, वहां पर अगर टूइंग वैन आएगी तो आपकी बाइक उस टूइंग वैन में डालकर लेके जाएगी। ओवर की समाप्ति और ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर जाकर पहुंचता हुआ 14 रनों पर, 14 रन लॉस ऑफ 4 विकेट्स। विपिन फैज और तुषार की जोड़ी, वैयक्तिक दूसरा, टीम के लिए चौथा ओवर लेकर दीपेन। फुल टॉस गेंद, हल्के हाथों से फ्लिक किया गेंद को काउ कॉर्नर में आती हुई गेंद पर, एक रन मात्र आसानी से पूरा होता हुआ। तो इक्का दुक्का जितना जरूरी है, टीम को अगर अच्छी परिस्थिति में लेकर जाना है तो बड़े शॉट लगाने पड़ेंगे। यहां पर इस बार कट करना चाहते थे पॉइंट की दिशा में, विकेट कीपर की दस्तानों में जाती हुई गेंद। फिर एक बार कट करने का प्रयास, लॉन्ग स्टॉप में जाती हुई गेंद, फिर एक बार डॉट बॉल,
अच्छी कोशिश, यहाँ पर एक अच्छी गोलंदाजी का स्पेल, यहाँ पर गेंदबाजी अच्छे से दीपेन के द्वारा देखने को मिलती हुई। इस बार फ्लिक करना चाहते थे बॉटम एंड का इस्तेमाल, काउ कॉर्नर में आती हुई गेंद पर एक रन आसानी से चुरा लिया और इसी एक रन के साथ टीम का स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर जाकर पहुंचता हुआ 16 रनों पर। फिर एक बार कट किया, पॉइंट की दिशा में खिलाड़ी मौजूद, फिर एक बार सिंगल रन। इस बार गलत निर्णय लिया गया, दिशाहीन गेंदबाजी का प्रयास, डाउन द ऑफसाइड, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल लॉ नंबर 22, इट्स अ वाइड बॉल, एक्स्ट्रा रन्स। इस बार आगे बढ़कर खेलने का प्रयास था, यहां पर बॉटम एंड का इस्तेमाल करके दिशा दिखाई थी, मिड विकेट काउ कॉर्नर में जाती हुई गेंद और यहां पर एक रन आसानी से पूरा किया। तुषार और फैज की जोड़ी अब टीम की रन संख्या में इक्का दुक्का लगाने का प्रयास पूरा करती हुई। ओवर की समाप्ति, 4 ओवरों की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर जाकर पहुंचता हुआ 5 विकेट के नुकसान पर 19 रन। फिर एक बार विश्वास दिखाया फैजल के ऊपर, बाहर जो बाइक्स जिन्होंने भी पार्क की है, सभी से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं जो अपनी बाइक अपने रोड पर पार्क की है, ट्रैफिक को कोई नुकसान नहीं होगा, इसका ध्यान रखकर आप बाइक पार्क कीजिए। और इसी के साथ मैदान में वापस लौटूंगा, 4 रन आते हुए एक जबरदस्त चौका और इसी चौके के साथ टीम के स्कोर में बदलाव। फिर एक बार कट किया, पॉइंट की दिशा में वन बाउंस, सीमा रेखा की बाहर जाती हुई गेंद पर एक जबरदस्त इशारा अंपायर अनिल पटेल सर का, 4 रन के लिए। रनों की संख्या अब अच्छी स्थिति में यहां पर जाकर पहुंचती हुई 27 रन मात्र एवरेज स्कोर। अगर इस मैदान का देखा जाए, अगर मैदान की भौगोलिक परिस्थिति को हमने परखा तो टीम का स्कोर जो है 45 से 48 रनों तक अभी तक जाकर इस पहली 2 मैचों में देखने को मिला था। इस मैच में एक छोटा लो स्कोरिंग मैच शायद देखने को मिलेगा क्योंकि अच्छी गेंदबाजी और यहां पर अंपायर का इशारा 22 के स्वरूप में 1 रन का। ऑटो पॉइंट रेंजर्स, फिर एक बार फैज की गेंदबाजी, बल्लेबाजी में से 1 रन आता होता, 1 रन के साथ टीम का स्कोर मात्र जाकर पहुंचेगा 29 रनों पर। इस बार ड्रिफ्ट रही रेंद, थोड़ी सी नीचे रही, कोई मौका नहीं बल्लेबाज तुषार को इस गेंद को चूमने का, सीधी जाती हुई विकेट कीपर की दस्तानों में, डॉट गेंद, फैजल की अगली गेंद। इस बार आगे बढ़कर खेलने का प्रयास, मिड विकेट का कॉर्नर में खिलाड़ी मौजूद, 1 रन मिलेगा और इसी 1 रन पर संतुष्ट रहना पड़ेगा बल्लेबाज तुषार को। ओवर की समाप्ति, 5 ओवरों की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर जाकर पहुंचता हुआ 5 विकेट के नुकसान पर 30 रनों पर, 30 रन्स लॉस ऑफ 5 विकेट्स इन द एंड ऑफ 5 ओवर्स। 5 षटकांच्या समाप्ती अखेर संघाची धाव संख्या 5 गड्यांच्या मोबदल्यात 30 धावा। डेमेन पहली ही गेंद यहां पर हवा में उछालने के प्रयास में थे, बल्लेबाज को कोई मौका नहीं दिया, डेमेन ने एक यशस्वी पूरा किया। शॉट ऑफ द लेंथ पुल करना चाहते थे, रन आउट का मौका बनेगा, यस इट्स आउट, फैज की पारी समाप्त। जितनी रफ्तार से डाली गई थी गेंद उतनी रफ्तार से खेली भी गई थी, लेकिन उतनी ही रफ्तार से फील्डिंग और रनआउट भी जाता हुआ, और एक विकेट का चयन जरूर होगा। 30 रन हुए, 30 रन्स लॉस ऑफ 6 विकेट। आखिरी ओवर चलता हुआ, कैन वी हैव बैट्समैन नेम प्लीज, बल्लेबाज का नाम जान सकता हूं, साजिद, थैंक यू साजिद। डेमेन की अगली गेंद तुषार के लिए, राइट आर्म ओवर द विकेट से गेंदबाजी करने के लिए तैयार, कट किया गेंद को पॉइंट की दिशा में, एक जबरदस्त फील्डिंग वहां पर देखने को मिलती हुई और इसी जबरदस्त फील्डिंग के मुजाहरे के साथ अंपायर का इशारा हम तक पहुंचता हुआ 1 रन का।
जहां चार रन मिलने वाले थे वहां पर सिर्फ एक रन मिला। एक अच्छी फील्डिंग वहां पर पॉइंट की दिशा में। फिर एक बार शॉर्ट टर्म पुल करने का प्रयास, जबरदस्त सक्सेसफुल। यस इट्स बाउंड्री, दैट वाज अ मैग्निफिसेंट, दैट वाज स्पेक्टेकुलर बाउंड्री बाय तुषार। इस बार जोरदार प्रहार करने के प्रयास में बीट किया गया बल्लेबाज को, लेकिन 22 के स्वरूप में एक इशारा हम तक पहुंचेगा। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल लॉ नंबर 23, 22 और लेग 22 के स्वरूप में एक रन, और इसी एक रन के साथ टीम का स्कोर जाकर पहुंचता हुआ 36 रनों पर, 7 विकेट के नुकसान पर, माफ करें 6 विकेट के नुकसान पर 36 रन। शॉर्ट पिच गेंद यहां पर लेग साइड की दिशा में, खिलाड़ी मौजूद, एक रन आसानी से पूरा हुआ, जबरदस्त रनिंग बिटवीन द विकेट, और इसी के साथ ओवर की समाप्ति, 6 ओवरों की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर 37 रनों पर जाकर पहुंचता, जीतने के लिए 38 रनों का लक्ष्य, 38 रन टू विन। 36 गेंदों में 38 रन बनाएंगे मुगल दीवान, 36 गेंदों में 38 रनों का लक्ष्य पूरा करना पड़ेगा। शिवसेना शाखा क्रमांक 64 आयोजित माना कप AJCL अर्थातच आंबोली जोगेश्वरी क्रिकेट लीग 2019 पर्व दुसऱ्याला मात्र सुरुवात झालेली आपण पाहतोय। आजच्या दिवसामध्ये खूप सारे सामने अजूनही खेळवले जाताना आपल्याला बघायला मिळतील। एक सुंदर प्रकाश ज्योतात खेळवल्या जाणाऱ्या या क्रिकेट सामन्यांचं दैदिप्यमान आयोजन, अर्थातच आपल्या विभागाच्या कार्यसम्राट, कार्यसक्षम, कार्यतत्पर नगरसेविका सौभाग्यवती शाहिदाताई हारून खान, त्याचबरोबर एक आगळी वेगळी संकल्पना शिवसेना शाखा क्रमांक 64 चे सन्माननीय शाखा प्रमुख हारून खान साहेबांच्या माध्यमातून एक जबरदस्त दैदिप्यमान आयोजन, एक आगळी वेगळी संकल्पना त्यांच्या डोक्यामध्ये आली। कोणती गोष्ट नेहमी दोन वेळा घडते, सर्वप्रथम आपल्या मनामध्ये आणि मग त्यानंतर प्रत्यक्षामध्ये। तर नक्कीच मनात कोणती तरी एक संकल्पना हारून खान साहेबांच्या आली आणि मग तीच संकल्पना प्रत्यक्षात उतरवण्याचं काम त्यांच्या माध्यमातून या ठिकाणी केलं जाते। नक्कीच मनपूर्वक हार्दिक आभार असतील हारून खान साहेब। एक सुंदर सुवर्ण संधी आपल्या विभागातील सर्व धर्मीय खेळाडूंसाठी, या क्रिकेट प्रेमी जनतेसाठी एक सुंदर मेजवानी तुमच्या माध्यमातून अनुभवायला मिळते, त्याबद्दल हारून खान साहेबांचे नक्कीच मनापासून हार्दिक आभार असतील। त्याचबरोबर शिवसेना नेते सन्माननीय खासदार श्री गजानन कीर्तिकर साहेब, विभाग प्रमुख श्री अनिल परब साहेब, उपविभाग प्रमुख श्री विष्णू कोरगावकर साहेब, तसेच महिला विभाग संघटक सौर राजुलताई पटेल यांचं मनपूर्वक हार्दिक आभार असतील। त्यांच्या सहकार्यामुळेच या कार्यक्रमाला एक आगळं वेगळं रूप प्राप्त झालंय। त्यानंतर आभार कोणाचे मानायचे झाले तर नक्कीच आंबोली जोगेश्वरी क्रिकेट लीग, त्याचबरोबर सर्व संघ मालक, 16 संघांनी या मालिकेमध्ये प्रवेश घेतला आणि त्या स्पर्धेमध्ये प्रवेश घेण्यासाठी संघ मालक या ठिकाणी जे आहेत, 16 संघ मालकांनी जे अनमोल असं सहकार्य या आयोजनाला केलं, त्याबद्दल त्या सर्व संघ मालकांचं अर्थातच टीम ओनर्सचं मी मनपूर्वक हार्दिक आभार व्यक्त करेन। बिपिन आणि सौरभ, स्ट्राइक एंड वर बिपिन, नॉन स्ट्राइक एंड वर सौरभ, सलामीची जोडी मुघल दिवान संघाच्या माध्यमातून। तर गोलंदाजी मार्क वरून नितेश पोडो, राईट आर्म ओव्हर द विकेटचा मारा, पंचांच्या डाव्या बाजूने मेन स्टेज एंडकडून गोलंदाजी करण्यासाठी सज्ज झालाय। 36 चेंडू, 38 धावांची गरज। आता मात्र पहिल्या चेंडूवर एक चांगली दिशा दाखवली जाते चेंडूला, चेंडू थर्डमॅनच्या दिशेनं स्लीपला पाठ पाडत एकेरी धाव, संघाच्या धावसंख्येचं, वैयक्तिक धावसंख्येचं खातं मात्र बिपिनच्या माध्यमातून उघडलं जातंय या सुंदर एकेरी धावेनं। स्ट्राइक रोटेट झाली, आता मात्र स्ट्राइक एंड वर सौरभ। कट करण्याचा प्रयत्न, उसळी घेतली चेंडून, नॉन स्ट्राइक एंड वर थ्रो करण्याचा प्रयत्न, रनिंग बिटवीन द विकेट, तितका सुंदर मात्र ओव्हर थ्रो आणि त्याचबरोबर चेंडू सरळ सीमा रेषा पार, एक उत्तुंग, एक जबरदस्त खणखणीत चौकार, 5 रन मिलेंगे इस गेंद पर।
शोले पिक्चर की गब्बर की याद दिलाता हुआ एक डायलॉग, गलती की सजा मिलेगी बराबर मिलेगी। और उसी गलती के साथ टीम के रनों में 5 रनों का आंकड़ा यहां पर लगा। इस बार जोरदार प्रहार किया था गेंद पर, साहब की फोटो को सलामी देने वाला यह जबरदस्त चौका। नक्कीच एक सुंदर चित्रपट दिनांक 25 जानेवारी रोजी या ठिकाणी प्रदर्शित आपल्या सर्व सिनेमागृहात आपल्याला बघायला मिळेल। अर्थातच एकमेव हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख सन्माननीय वंदनीय अविस्मरणीय श्रीमान बाळासाहेब ठाकरे यांच्या जीवनपटावरील हा एक सुंदर चित्रपट दिनांक 25 जानेवारी रोजी सर्व सिनेमागृहांमध्ये आपल्याला बघायला मिळेल। संजय राऊत साहेबांच्या संकल्पनेतून अभिजित पांडसे साहेबांच्या दिग्दर्शनाखाली हा एक सुंदर चित्रपट आणि या चित्रपटाच्या माध्यमातून बाळासाहेब ठाकरे साहेबांची एक जबरदस्त जीवनकथा आपल्याला अनुभवायला मिळेल। कट केलं जातंय पॉइंटच्या दिशेने, चांगलं क्षेत्ररक्षण आणि एक जबरदस्त रनिंग बिटवीन द विकेट। पहिल्या षटकाची समाप्ती आणि पहिल्या षटकाच्या समाप्ती अखेर संघाच्या धावसंख्येचा आकडा 13 धावा, 13 रन्स विदाउट एनी लॉस इन द एंड ऑफ फर्स्ट ओवर। पहली ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर बिना किसी नुकसान के 13 रन। या फुडिल सामना आर आर पैकर्स वर्सेस अली अकबर दोनों संघांच्या कर्णधारांना विनंती असेल आपण कृपया मुख्य व्यासपीठाजवळ यायचंय। दरम्यान आता मात्र चेंडू जातोय सरळ सीमा रेषा पार चौकार। बाउंड्री आई यहां पर लेग बिफोर विकेट की जरूर अपील, जोरदार अपील थी यहां पर, लेकिन इंपैक्ट जो था डाउन द लेग साइड जाती हुई गेंद पर नॉट आउट करार दिया गया। एक रन मात्र पूरा किया लेग बाइज के स्वरूप में। इस बार फिर एक बार कट किया गेंद को, रन आउट का मौका बनेगा या नहीं, ऑफ कोर्स यहां पर कोई गलती नहीं होगी। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, अच्छी साझेदारी दोनों बल्लेबाजों के बीच यहां पर पूरी होती हुई। तुषार की अगली गेंद, इस बार अच्छी गेंदबाजी का प्रयास था, रनआउट का मौका फिर एक बार बन रहा था। मेहनत के साथ नसीब भी उतना ही जरूरी होता है, मेहनत तो बहुत कर रहे लेकिन नसीब यहां पर साथ नहीं दे रहा। बल्लेबाज जरूर यहां पर अच्छी पारी पूरी करते हुए, गेंदबाज के साथ नसीब जरूर यहां पर नहीं दिखाई देता हुआ। कवर ड्राइव यहां पर रिकी पॉन्टिंग की याद दिलाता हुआ। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान, एक जबरदस्त व्यक्तिमत्व रिकी पॉन्टिंग, एक जबरदस्त कवर ड्राइव उनके माध्यम से बहुत बार यहां पर देखने को मिला। जरूर एक जबरदस्त कवर ड्राइव यहां भी देखने को मिलता हुआ बल्लेबाज सौरभ द्वारा। फिर एक बार कवर की दिशा में जाती हुई गेंद, मिड ऑफ के खिलाड़ी के हाथों में डॉट गेंद, और इसी डॉट गेंद के साथ ओवर की समाप्ति, दूसरी ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर बिना किसी नुकसान के 21 रनों पर जाकर पहुंचता हुआ। एकवीस धावा, 21 रन विदाउट एनी लॉस इन द एंड ऑफ टू ओवर्स। दोन षटकांच्या समाप्ती अखेर संघाची धावसंख्या बिन गडी बाद 21 धावा। दो ओवर पूरे हुए, टीम का स्कोर 21 रनों पर जाकर पहुंचता हुआ बिना किसी नुकसान के। सचिन अगली ओवर के लिए तैयार, राइट आर्म ओवर द विकेट अंपायर की बाईं ओर से। इस बार ब्लॉक होल गेंद डाउन द लेग साइड, जरूर फिर एक बार
दिशाहीन गेंदबाजी, वाइड बॉल का इशारा। सचिन की अगली गेंद यहां पर डाउन द ऑफसाइड, इस बार जरूर ऑफ स्टंप से बहुत ही बाहर से गुजरती हुई गेंद, अंपायर अनिल पटेल सर का इशारा वाइड बॉल का। इस मैच को लाइव एंड एक्सक्लूसिव यूट्यूब के माध्यम से आप अपने स्मार्टफोन द्वारा, आपके लैपटॉप स्क्रीन द्वारा, आपके कंप्यूटर स्क्रीन द्वारा जरूर इस मैच का आनंद उठा सकती है। यूट्यूब के माध्यम से आप टेनिस क्रिकेट .in के माध्यम से इस मैच का जरूर लाइव एंड एक्सक्लूसिव घर बैठे इस मैच का आनंद लूट सकते हैं। इस बार हल्के हाथों से फ्लिक किया था गेंद को, बॉटम हैंड का इस्तेमाल, एक रन से पूरा होता यह प्रयास। सचिन की अगली गेंद सौरभ के लिए, सलामी जोड़ी अच्छी साझेदारी निभाता हुआ, इस बार कट करना चाहते थे लेकिन बीट किया बल्लेबाज को, कोई मौका नहीं गेंद को छूने का, सीधी जाती हुई विकेट कीपर के दस्तानों में डॉट गेंद। अगली गेंद आगे बढ़कर खेलने का प्रयास सर, और यहां पर मिस्टेक होता हुआ, कवर की दिशा में खिलाड़ी मौजूद थे, यासीन के हाथों से गुजरती हुई फिसलती हुई गेंद सीधी जाएगी सीमा रेखा के बाहर चार रन के लिए। टीम का स्कोर इस चौके के बाद जाकर पहुंचेगा 29 रनों पर। इस बार आउटसाइड एज लिया और एक जबरदस्त विकेट का पतन, सोमा के हाथों में जाती हुई गेंद, एक जबरदस्त फील्डिंग का मुजाहरा यहां पर देखने को मिलता हुआ, एक जबरदस्त एफर्ट वाला कैच, यहां पर बहुत ही मेहनत से कैच को वन हैंडेड कैच देखने को मिला सोमा के हाथों में जाती हुई। सौरभ की पारी यहां पर समाप्त। डेमेन यहां पर इस आते ही डॉट गेंद का सामना कर यहां पर ओवर की समाप्ति, तीन ओवरों की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर 29 रन, 29 रन लॉस ऑफ वन विकेट इन द एंड ऑफ थ्री ओवर्स। तीन षटकांच्या समाप्ती अखेर संघाची धाव संख्या 29 धावा, अजूनही 9 धावांची गरज आहे मुघल दिवान संघाला जिंकण्यासाठी, अजूनही 18 चेंडू शिल्लक आहेत, 18 चेंडूंचा खेळ अजून बाकी, अर्थातच 3 षटकांचा खेळ या ठिकाणी शिल्लक आणि 3 षटकांमध्ये 9 धावांची गरज, दुप्पट चेंडू निम्म्या धावा, 18 चेंडू ज्या ठिकाणी 9 धावा करायचे होत्या, एक चेंडू मात्र निर्धाव टाकला जातोय। बॉटम हँडचा वापर, मिड विकेट रिजन मध्ये खेळाडू उपस्थित, तदवर एक धाव अर्जित केली जाते आहे, एकेरी धावेने संघाच्या धाव संख्येचा आकडा 30 धावांना पार करतोय। शफल ओवर घेण्याचा प्रयत्न, अजून एका विकेटचा पतन, सलामी दिली जाते आहे मुख्य व्यासपीठावर उपस्थित सर्व प्रमुख पाहुण्यांना, आणि या डायरेक्ट मैदानाच्या बाहेर गेलेल्या चेंडूवर डॅमियनची खेळी संपुष्टात। नवीन फलंदाज शफिक या ठिकाणी मैदानामध्ये येताना आपल्याला बघायला मिळतोय मानाकप AJCL अर्थातच आंबोली जोगेश्वरी क्रिकेट लीगच्या माध्यमातून शिवसेना शाखा क्रमांक 64 या दैदिप्यमान आयोजनामध्ये आपण सर्वजण एकत्र जुडले गेलोय, त्याबद्दल उपस्थित सर्व क्रिकेट प्रेमी क्रिकेट रसिक जनतेचं मी मैदानामध्ये पुन्हा एकदा मनपूर्वक हार्दिक स्वागत करतो। फुल टॉस चेंडू कव्हर रिजन मध्ये, चांगलं क्षेत्ररक्षण यासीन द्वारा, परंतु एक धाव रोकू शकत नाहीयेत, सुंदर एकेरी धाव, जबरदस्त रनिंग बिटवीन द विकेट आणि शेवटचा चेंडू शिल्लक।
बॉटमॅनचा वापर पुन्हा एकदा मिड विकेट रिजनला, चेंडू मात्र सीमारेषेला स्पर्श करतोय. तद्वर संघाच्या धावसंख्येचा आकडा या चार धावांनी पुढे सरकतोय. संघाची धावसंख्या चौकारानंतर 39 धावा. जिंकलेला आहे मुघल दिवान संघ. विजयी संघाचं मनपूर्वक हार्दिक अभिनंदन आणि त्याचबरोबर पुन्हा एकदा ऑटो पॉइंट रेंजर्स आपलं मनपूर्वक आभार. यानंतर होणारा सामना आरआर पॅकर्स वर्सेस अली अकबर 11. दोन्ही संघांच्या कर्णधारांना विनंती असेल आपण पुढील सामन्याचा नाणेफेकीचा कौल आधी उडवून घेऊया. त्यापूर्वी आपण मॅन ऑफ द मॅच चं पारितोषिक जाहीर करतोय. शिवाचे सैनिक वेडे करू जीवाचे रान, पण पुन्हा एकदा भारत देशा बनवू हिंदुस्थान. दरम्यान विनंती असेल मॅन ऑफ द मॅचचं पारितोषिक घेण्यासाठी बीपीन आपण व्यासपीठावर यायचं आहे. पुन्हा एकदा जोरदार टाळ्या वाजल्या पाहिजेत. मुघल दिवान संघाचा एक जबरदस्त अष्टपैलू खेळाडू बीपीन साठी